सिद्धबली मंदिर, ये सिद्धबली धर्मशाला है लेफ्ट में, यहाँ पे वो सामने, और ये मार्केट और ये मेन गेट। कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पे, सिंदूर के रंग में पूरा रंगा हुआ है पूरा मार्केट। सिद्धबली के पास ही ऑफिस है कॉर्बेट का, कोटद्वार वाला, वो यहीं पे ही आसपास। अभी फिलहाल टाइम नहीं है जाने का, और यही रास्ता सीधा पार्क रोड जा रहा है। 20 रुपए की पर्ची कटवा ली है, पार्किंग में कार खड़ी कर दी है धर्मशाला के सामने, और सीधा मंदिर जा रहे हैं। अभी जूते जमा करने का यहाँ पे स्थान है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। आपके जूते कहाँ हैं? गाड़ी में रख दिया। मैंने बोला था ना कि स्पेशल आदमी है वो। प्रसाद घंटा ताकि कोई ना हुए कोरोना काल में, इसलिए ढक रखा है। पहुंच गए हैं मंदिर पे, 2 मिनट लगी है बस, और मंदिर से पूरा कोटद्वार दिख रहा है उधर। स्कूल से हम ये आए हैं, हम यहाँ से बैकग्राउंड से मंदिर के साइड से ऐसा व्यू आ रहा है। लड़के नहा रहे हैं वहाँ पे, नदी की आवाज आ रही है काफी, उस तरफ भी नहा रहे हैं लड़के, तैर भी रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा सा गहरा पानी होगा। और इस तरफ से हम अभी आए हैं दुगड्डा से, खो नदी है खो। सबने यहाँ पे चुन्नी बांधी हुई है, बंसल भाई ने भी बांधी, निखिल भाई ने भी बांधी, पर मैंने नहीं बांधी है, मेरी चुन्नी मेरे पास ही है। चुन्नी बांधना एक बंधन होता है, अगर बांधी तो खोलने भी आना पड़ता है, जो मन्नत मांगो कि जब वो पूरी हो जाती है तो लोग भूल जाते हैं ज्यादातर। मंदिर से राइट साइड में भी चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ शनिदेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर। इधर क्या है? शनिदेव का मंदिर, लास्ट में बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है, जो कि पीपल के पेड़ के नीचे है। यहाँ पे प्रसाद चल रहा है, सब प्रसाद खा रहे हैं, भंडारा मतलब। यहाँ पे बने छोले, आलू छोले, हलवा, कद्दू, मिर्च भी है, और 3 पूरी, सब भंडारा हो रहे हैं। सिद्ध बली हनुमान जी के भी दर्शन कंप्लीट हो गए हैं, और अब जाते हैं अपनी कार की तरफ, फिर कोटद्वार से होते हुए देहरादून। ना 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 दोस्त हैं हम लोग 4-5, एक्चुअली हमने वो फॉरेस्ट रेस्टोरेंट पे तो भाई यहाँ पर है ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ऑफिस है ना, गढ़वाल, रिसेप्शन सेंटर एंड रीडिंग रूम। अच्छा, रीडिंग रूम भी बना हुआ, यहाँ पे होंगी किताबें बहुत सारी कॉर्बेट की। तो दोबारा से कोटद्वार आऊंगा तब पूरा ये टाइगर रिजर्व का ऑफिस वगैरह देखेंगे, मैं पाकरो रेंज भी आऊंगा, इसने भी आऊंगा, अभी तो बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। डीएफओ का रेजिडेंस है ये, लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन वालों का। और भाई भानु, और ठीक है? बढ़िया बढ़िया, बताओ। हाँ बस बढ़िया। 1 बज गया है, हम कोटद्वार से निकल चुके हैं, जा रहे हैं नजीबाबाद की तरफ। नजीबाबाद से कुछ किलोमीटर पहले जो राइट को नहर आती है कैनाल रोड, उससे हम जाएंगे हरिद्वार। अब जाके गाड़ी खुल के चल रही है, अब तक बहुत धीरे चल रही थी, गड्ढे की वाली रोड थी। कौन सी ट्रेन है? अरे तो शताब्दी है, दिल्ली कोटद्वार शताब्दी है भाई ये, या कोई और ट्रेन होगी। कैनाल रोड पे चल रहे हैं अभी, हरिद्वार की तरफ मुड़ गए हैं, और ये दहेज का सामान जा रहा है। इस पागल से बचना, ऐसे पागल मुझे बहुत बुरे लगते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, गन्ना गन्ना देखो कितना लटक रहा है, वो कर देते, छील देती है गाड़ी को वो। ये शीशम के पेड़ है, शीशम का पेड़ बहुत महंगा होता है ना। ईस्टर्न गंगा कैनाल रोड पे चल रहे हैं, ये सिंबल का पेड़, और पेड़ों को निहार रहे हैं। शीशम के पेड़ आ रहे हैं, कचनार के पेड़ आ रहे हैं, सिंबल के पेड़ आ रहे हैं। ले लो ले लो ले लो। दोपहरी भर रही है, ईस्टर्न कैनाल रोड पे चल रहे थे तो एक गन्ने वाला दिख गया, गन्ने का जूस पी लेते हैं। वो लोग भी पीछे ही आ रहे हैं, ईस्टर्न कैनाल है ये। इस तरह का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे मई का महीना हो। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, संभल के रहिएगा। मक्खियाँ बहुत हैं। इस टाइम हम ऐसी रोड पे चल रहे हैं कि ये यूकेलिप्टिस के पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे, इधर भी, और बहुत ऊंचे ऊंचे यूकेलिप्टिस के पेड़ हैं, मतलब ऐसा पूरे रास्ते में कहीं नहीं मिलते। चिड़ियापुर पहुँचने वाले हैं, सबसे ज़्यादा हाथी भाई इन जंगलों में मिलते हैं लोगों को।
ये फेंसिंग कर रखी है पूरे में, ये हाथी की वजह से ही फेंसिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आ जाते हैं हाथी। कचनार का कितना प्यारा पेड़ है, वाह दोनों दिख रही है देखो, उधर वैष्णो देवी, ये चंडी देवी व्हाइट कलर की ऊपर, और वैष्णो देवी, अभी दिखाऊंगा वो सामने ट्रक के बराबर, मनसा देवी, मनसा देवी, मनसा देवी, मनसा देवी, सॉरी चंडी देवी, हाँ वो मनसा देवी दिख रही है और इधर चंडी देवी। ये देखना कितना अच्छा पेड़ है, लाल लाल हो गया, यानी कि मनसा देवी भी काफी फैला हुआ है ऊपर से। ये देखो ट्रॉली जा रही है, ये गेट है इसका, नहीं तो कुंभ की तैयारी कर रखी है, महाकुंभ 2021 का गेट है ये, नमामि गंगे। भाई ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुंच गए हैं, और महाकुंभ के लिए देखो कितना बड़ा एरिया इन्होंने ले रखा है, कैंप लग रहे हैं वहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर के, बहुत कम है, वरना ये तो पूरा गिरना था। बस हम यहाँ से राइट हो जाएंगे क्योंकि हम चिला कैनाल रोड से जाएंगे, हम राइट से राइट से, ये तो बहुत लंबा पुल है, ये देखो कितना लंबा पुल है, 1 किलोमीटर यहाँ से राइट। राजा जी नेशनल पार्क में किला गेस्ट हाउस थोड़ी सी दूर है, सफारी का गेट भी यहाँ पे, हम थोड़ा सा रुक गए हैं जंगल को महसूस करने के लिए, बहुत प्यारा जंगल है ये भी। वाओ अमेजिंग, ये विश्वनाथ सेवा है जो कि हरिद्वार से, ऋषिकेश से हरिद्वार इसी रोड पे चलती है, प्राइवेट बस है। मैं तो यहाँ भी रुकना चाहता था 1-2 घंटे, देखो कितनी प्यारी चिड़िया की आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर कभी आएंगे अकेले। बहुत सारी हाथियों की लीद मिल रही है और बिल्कुल ताजी, यानी कि सुबह को हाथी थे यहाँ पे, दोपहर के बज रहे हैं 2:36, बिल्कुल मिड नून, भरी दोपहरी, मार्च का महीना, एंजॉय करो। वो आ गया सामने बैरिकेड हाउस, चिला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और चिला का गेट, चिला सफारी के लिए, गेट का नाम भी चिला है इसका और जोन का नाम भी चिला जोन है, और चेक पोस्ट चिला।